बायोमैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 एक इंतहा ही आसान चैप्टर है और हम इस चैप्टर में बहुत बेसिक बेसिक से बातें पढ़ते हैं जो हमने बारह पढ़ी हुई है। सबसे पहले अगर हम पढ़ें कि बोन क्या होती है, जब आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखते हैं अपनी बुक का तो वहाँ पर बोन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ें। सबसे पहले तो फंक्शन ये है कि बोन जो है वो क्या बना रही होती है, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो बना रही होती है, और दूसरा इसका फंक्शन यह होता है ये बोनी लेवर्स बना रही होती है। अब साथ में हमें लेवर की एक डेफिनेशन भी मिलती है। तो लेवर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस जो है वो मूव करता है, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट जो है वो मूव करता है, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या कह रहे होते हैं, दिस इज द फल्क्रम, ठीक है। तो अगर मैं आपको ह्यूमन बॉडी से एग्जांपल दूँ तो कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा एक एल्बो ज्वाइंट है और ये हमारी जो है वो रेडियस अल्ना जो भी बोन्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट है। फल्क्रम क्या है, हमारा एल्बो ज्वाइंट है जिस पॉइंट के अलॉन्ग हमारी रेडियस और अल्ना ने मूव करना है, और यहाँ पर लेवर क्या है, हमारा रेडियस और अल्ना जो भी हमारे बोन्स है। तो ये बोनी लेवर्स की बेसिकली एक एग्जांपल है। आफ्टर दैट हम जब बोन के बारे में पढ़े हैं तो बोन की कंपोजिशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले याद रखना है कि बोन के अंदर सेवरल मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स के साथ साथ यहाँ पर कोलेजन प्रेजेंट होती है और वाटर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और हर मिनरल या हर चीज़ जो है वो एक स्पेशल फंक्शन यहाँ पर जो है वो परफॉर्म कर रही है। मिनरल्स में मेनली जो है वो कैल्शियम मिनरल्स आते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, इसके अलावा सेवरल अदर मिनरल्स जैसे कि आप कह सकते हैं मैग्नीशियम, सोडियम और फ्लोराइन वगैरह, ये सारे जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, जैसे मैंने आपको बताया कि हर जो चीज़ है उसका एक पर्टिकुलर पर्पज़ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के यहाँ पर क्या पर्पज़ होता है, ये बोन को प्रोवाइड करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। कंप्रेसिव लोड मैंने जो है वो चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ाया था। कंप्रेशन कहते हैं एक स्क्वीजिंग फोर्स को। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, एक बोन की एबिलिटी कि वो किस तरह से कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट कर सकती है, कितना रेजिस्ट कर सकती है, वो इसको प्रोवाइड करनी है कैल्शियम कार्बोनेट ने और कैल्शियम फॉस्फेट ने, और उसको ही हम कह रहे होते हैं दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है कोलेजन। कोलेजन हमें पता है कि एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हाईली फ्लेक्सिबल होती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है किसी भी रीजन। तो कोलेजन जो है वो क्या एक पार्ट को प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती है बोन को टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। टेंशन हम लोगों ने पढ़ा क्या होती है, एक स्ट्रेच वाली स्टेज को, पुलिंग फोर्स को, खींचने वाली फोर्स को हम कह रहे होते हैं टेंशन। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी टेंशन को, पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट करने की एबिलिटी जो बोन को मिल रही होती है, वो कौन दे रही होती है, हमें कोलेजन दे रही होती है, बिकॉज इट इज़ अ हाईली फ्लेक्सिबल प्रोटीन। उसके बाद वाटर है। अब चूंकि सबने एक इंपॉर्टेंट काम किया तो वाटर का यहाँ पर क्या काम होगा, वाटर का जो मेन पर्पज़ होता है बोन के अंदर ये क्या होता है, इसमें वेस्ट मटीरियल्स को जो है वो बाहर लेकर जाना होता है और न्यूट्रिएंट्स जो है लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जो है उनको क्या करना होता है, इसे स्टोर करना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बोन के फंक्शंस आ गए और बोन की जो है वो कंपोजिशन आ गई, तो इसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि ये जो सारा बोन का एक स्ट्रक्चर होता है, ये पर्टिकुलरली बोन को एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है जिसको हम कह रहे होते हैं स्टिफनेस। हमें पता है हमारी बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है, उसको ये स्टिफनेस जो प्रोवाइड कर रहा होता है। अब स्टिफनेस की क्या डेफिनेशन होती है, स्टिफनेस बेसिकली उसने कहा इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है, जो भी फोर्स आपकी किसी भी बोनी एरिया पे लग रही है, और स्ट्रेन क्या है, उस फोर्स के लगने के नतीजे में जो भी शेप में चेंज आ रहा है, चेंज इन शेप है, उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज द स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है, स्ट्रेस की डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट एरिया सेम एज दैट ऑफ प्रेशर होती है, जबकि स्ट्रेन क्या हो रहा है, उस स्ट्रेस लगने के नतीजे में शेप में जो चेंज आ रहा है उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज द स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो एक रेशियो होती है उसको हम कह रहे होते हैं स्टिफनेस, और ये बोन की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेस द एबिलिटी टू रेजिस्ट कंप्रेशन, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स और टेंशन, उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद ना बोन के अंदर मौजूद मिनरल्स के बेस में हमने बोन्स को डिफरेंट बोन्स में पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आती है पोरस बोन। पोरस बोन ऐसी बोन्स होती हैं जिनके अंदर मिनरल्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, लो मिनरल्स होते हैं। अब लो मिनरल्स होने की वजह से इन बोन्स के अंदर छोटे 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 से ना पोर्स होते हैं, ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं दिस इज द पोरस बोन। पोरस यहाँ नाम से ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं पोर्स प्रेजेंट होंगे, और जहाँ पोर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ क्या होगा, मिनरल्स कम होंगे। अब यहाँ पर पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा, मिनरल्स क्या कर रहे थे, बोन को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे। ऑब्वियसली अगर एक बोन वाला जो एरिया जिसके अंदर मिनरल्स कम है, ऑब्वियसली उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी लाजमी जो है वो याद रखनी है। उसके बाद आती है कॉर्टिकल बोन। कॉर्टिकल बोन है ना, इसके अंदर मिनरल्स जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर पोर्स ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट। अब एक बोन जिसके अंदर मिनरल्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं इस बोन के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है।
अब आपने याद रखना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा भी हो तो भी एक प्रॉब्लम है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम भी हो तो भी एक प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम? देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम है तो अगर एक बोन को बहुत ज़ोर से अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली बोन जो है वो उसको बियर नहीं कर सकती। इन अदर वर्ड्स वी कैन से बोन जो है वो स्ट्रेस जो है वो यहाँ पर नहीं बियर कर सकती, ठीक है। और ये बोन चूंकि इसके अंदर मिनरल्स कम है ऑब्वियसली फिर इसके अंदर कोलेजन जो है वो डोमिनेट होगी, तो ये बोन फ्लेक्सिबल होगी, तो इसके ऊपर जितनी भी आप पुलिंग फोर्स लगा लेंगे, काफ़ी पुलिंग फोर्स लगा लेंगे, तो ये ज़्यादा जो है वो अपनी शेप में चेंज को बर्दाश्त कर सकती है। तो इसको हम कह रहे होते हैं दिस इज स्ट्रेन। तो मतलब हम कह सकते हैं पोरस बोन स्ट्रेस को कम बियर कर रही है लेकिन स्ट्रेन को जो है वो बहुत ज़्यादा कर रही है। जबकि कॉर्टिकल बोन की हम बात करें तो हम कहते हैं कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ना बड़ी ही ज़्यादा है। तो मतलब इसका ये है कि ये स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा बियर कर लेगी, जितनी मर्जी इस पर फोर्स लगा लो वो बहुत ज़्यादा बियर कर लेगी, लेकिन ये पुलिंग फोर्स बहुत ज़्यादा बियर नहीं कर पाएगी। इसकी शेप में अगर चेंज थोड़ा सा भी आ गया तो ये बोन टूट जाएगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि ये बोन जो है वो स्ट्रेन जो है वो बहुत कम बियर कर सकती है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैबैक्युलर बोन। ट्रैबैक्युलर बोन बेसिकली इस तरह की बोन होती है जिसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि छोटे 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 से ना एरियाज जो है वो बने होते हैं, इस तरह से कुछ एरियाज बने होते हैं। और ये जो बोन है आप कह सकते हैं ये क्या होती है, हाईली पोरस बोन होती है, ठीक है। ट्रैबैक्युलर बोन की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि दिस इज़ अ हाईली पोरस बोन, ठीक है। ये क्या होती है, एक हाईली पोरस बोन होती है। ऑब्वियसली अगर हाईली पोरस है तो मिनरल कॉन्टेक्ट इसका जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। जब इसका मिनरल कॉन्टेंट कम होगा तो ये जो है वो स्ट्रेस बहुत कम जो है वो ले पाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो पोरस बोन को बेसिकली हम कहें तो इसके अंदर ना ट्रैबैक्युला बेसिकली कहते हैं एक जाल को, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ इस तरह का ना जाल बना होता है, डिफरेंट चीज़ें पैरेलल अरेंज हुई होती हैं, इस तरह से अरेंज हुई होती हैं, तो उसको आप कह रहे होते हैं जैसे ट्रैबैक्युलर बोन। अब ये जाल किस चीज़ का होता है, यूजुअली कुछ सेल्स का होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बोन, हमारे पास सबसे पहले हमने ह्यूमन बॉडी को हमने पता है कि हमने बारह पढ़ा हुआ है बायो में भी कि हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी में एरियाज को स्पेसिफिक करती है। कुछ को हमने कह दिया है कि ये एक्सियल स्केलेटन है और कुछ को हमने कह दिया ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन में कितनी टोटल हमारे बॉडी में 206 बोन्स है। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें आती है, हमारी एक्सिस ऑफ बॉडी आती है, लॉन्गिट्यूशनल एक्सिस ऑफ बॉडी आती है, यानी आप कह सकते हैं हमारी इसमें वर्टिब्रा की बोन्स शामिल हो जाएंगी, हमारी हेड की बोन्स शामिल हो जाएंगी, ट्रंक जो है वो उसके अंदर शामिल हो जाएगी। तो ये सारी जो एरियाज हैं इसको हम कह रहे थे कि एक्सिस ऑफ बॉडी है। और इसकी जो भी बोन्स यहाँ पर जैसे कि हमारी स्टर्नम हो गई है या इसके अलावा रिब्स हो गई हैं, ये सारे के सारे जो है वो एक्सियल बोन्स स्केलेटन में जो है वो आती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी हमारे जो लिम्स हैं जैसे कि हमारे आर्म्स हैं या हमारा अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब्स हैं, इसके अंदर मौजूद बोन्स को हम कह रहे होते हैं कि ये सब क्या बना रही है, अपेंडिकुलर स्केलेटन बना रही है। अब ना ये तो हम लोगों ने कह दिया कि बोन्स को हम लोगों ने डिवाइड किया है दो एरियाज। अब हम पढ़ते हैं कि जो बोन्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले होती है लॉन्ग बोन्स, ठीक है। ये इंतहाई जो है वो आप कह सकते हैं ऐसी बोन्स होती है जिनके अंदर जो है वो एक शाफ्ट प्रेजेंट होती है और ऊपर जो है वो इसके अंदर कुछ एंड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से ना इसके एंड्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं एपिफाइसिस हो गई या ट्यूबरोसिटीज होगी, इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। अब लॉन्ग बोन की एग्जाम्पल्स आपने लाजमी विद डेफिनेशन लाजमी करनी है। लॉन्ग बोन की एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती है फीमर, हमारी रेडियस बोन आ जाती है, हमारी अल्ला बोन आ जाती है। इनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसान है, ऐसी बोन जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि देर इज़ अ हेड प्रेजेंट या फिर जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं इसके अंदर ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको आप कह सकते हैं दिस इज अ लॉन्ग बोन और ये क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके बीच में एक लंबी सी क्या है, शाफ्ट प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब लॉन्ग बोन्स बेसिकली हमारे लिम्स में प्रेजेंट होती है और इनका जो मेजर रोल होता है ये हमारी मूवमेंट को होता है, क्योंकि जो है वो मसल अटैचमेंट को अलाउ करती है और इसलिए मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही होती है। उसके बाद आता है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन नाम से पता चला है कि छोटी होंगी, ये क्यूबिकल इन शेप होती हैं यूजुअली और ये जो बोन्स होती हैं ना ये स्लाइड सा मोशन अलाउ करती हैं सिर्फ, ओनली जो है वो इसके अंदर क्या हो रहा होता है, ग्लाइडिंग मोशन जो है वो हो रहा होता है। इसके अलावा इस बोन के एग्जांपल में देखें तो हमारी कार्पल बोन्स आ जाती हैं, इसके एग्जांपल में हमारी टार्सल बोन इसके एग्जांपल में जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। शॉर्ट बोन्स में आपने याद रखें क्यूबिकल इन शेप होती हैं, ग्लाइडिंग मोशन को अलाउ करती हैं और कार्पल और टार्सल बोन्स जो है वो इसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैट बोन्स की। फ्लैट बोन्स बेसिकली आप नाम से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल फ्लैट होती हैं। इन बोन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए जहाँ पे भी हम फ्लैट बोन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया वाली बोन है, ज़्यादा सरफेस एरिया वाली बोन्स है, यानी इसके अंदर ज़्यादा अंडर ऑर्गन ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसका मेन काम क्या होता है, इसमें हमारी जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि आप बात करें स्टर्नम, स्टर्नम इज़ द मेन एग्जांपल ऑफ द फ्लैट बोन और स्टर्नम जो है वो हमें लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा स्टर्नम जो है वो ऑल वाइटल ऑर्गन जैसे कि हमारा हार्ट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। तो इसका बेसिकली फ्लैट बोन्स का काम मेनली क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना।
उसके बाद है इरेगुलर बोन्स। आपने पढ़ा होगा कि बोन्स ने मसल को अटैच करना होता है, बोन ने अदर डिफरेंट एरियाज को जो है वो अपने पास आकर अटैच करना होता है। तो इसलिए ना डिफरेंट अटैचमेंट्स के लिए ना इन बोन्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस बनी होती है, जैसे यहाँ आके मसल अटैच हो जाएंगे, यहाँ फेसिट होगा, ठीक है, जो भी चीज़ें पे आके अटैच होनी होती है ना, तो ये बोन्स जो है काफ़ी इरेगुलर हो जाती है इन शेप, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फेसिट होंगे, कभी ट्यूब्रोसिटी होगी, आप कभी आप कह सकते हो कोई ग्रूव प्रेजेंट है, डिप्रेशन प्रेजेंट है, इस वजह से बोन्स काफ़ी इरेगुलर हो जाती है। और इसकी मेन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं वर्टिब्रा, ठीक है। देखिए हर एक बोन का एक स्पेसिफिक काम है, इसका मैंने आपको काम बता दिया, इसका काम क्या होगा मूवमेंट में। शॉर्ट बोन्स क्या होंगे, स्लाइटली जो है वो ग्लाइडिंग मोशन अलाउ करेंगी, फ्लैट बोन्स क्या होंगी, ये प्रोटेक्शन अलाउ करेंगी, इरेगुलर बोन्स क्या होंगी, ये मसल अटैचमेंट्स को अलाउ करेंगी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकुलर बोन, आर्टिकुलर बोन्स का तो नाम में एक काम है कि क्या होंगी, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस भी होंगी और ये हेल्प करेंगी जो है वो दो जॉइंट्स बनाने में हेल्प आउट करेंगे और डिफरेंट एरियाज को बनाने में जो है ये आर्टिकुलेटिंग बोन्स जो है वो हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें बहुत सी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस।